तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सर लोग? होपफुली सर लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं बाकी हनुमान सेकंड सीजन के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम लोग सीधा इसकी वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है महल जो होता है बिल्कुल सेटअप होता है, पिकल जो होता है वो भी तैयार हो चुका होता है और एक्साइटेड होता है जैक को देख के। जैक को पता होता है कि ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं सकते हैं, लेकिन ये समझ सकते हैं एक दूसरे के इंटेंशन को। पिकल भी जो होता है बिल्कुल तैयार होता है फाइट करने के लिए, और पिकल सोच रहा होता है यहाँ पे रहकर उसके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, से फाइट किया है, रेड सूट से फाइट किया है, फाइनली बारी आ चुकी है एक और नए टॉय की उसके लिए, और वो टॉय होता है जैक। लेकिन ये पूरा डिफरेंट है पिछले वाले जो कितने खिलौने थे उसके सामने। उससे जैक जो होता है वो बहुत ही तेजी से मूव कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, अपनी मसल्स को फुलाता है, सीधे पिकल को डायरेक्टली पंच करता है और पिकल धकेल के पीछे हो जाता है। और फाइनली जो ये कॉन्टेक्ट होता है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और पिकल को हिट कर देती है। उसकी नॉस्टैल्जिक यानी जो पुरानी वाली मेमोरीज होती है वो जैक को हिट करते ही उसको समझ में आ जाता है कि जिसकी बॉडी है वो टोटली डिफरेंट बिल्ड हुई है, इसकी जो गले की हड्डी है वो भी काफी ज्यादा मजबूत है, जो इसकी कैनाइंस है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके पंच के बावजूद इसके कैनाइंस का कोई फर्क पड़ा नहीं है। और कैनाइंस सिर्फ कटर के काम नहीं आते हैं, ये एक वेपन भी है, ये देख के इसको पता चल रहा होता है। और फिर वो अपने दांत को दिखाता है और कहता है चल एक दूसरे को काटते हैं और देखते हैं किसके दांत में ज्यादा दम है, आ जा। जैक बिल्कुल तैयार होता है, पिकल भी तैयार होता है, और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और देखने को मिलता है पास में आते हैं, नजदीक आते हैं और एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं। एक दूसरे को कहते हैं आई वांट टू बी विद यू। उधर जो बुड्ढा होता है उसके पास फोन आ जाता है बाकी कह रहा होता है कल फाइट करने के लिए, लेकिन जो बुड्ढा होता है वो बताता है कि तो लेट हो चुका है। और उधर देखने को मिलता है पिकल और जैक के बीच में लिप टू लिप कुछ चल रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे को काट रहे होते हैं, लेकिन यार ऐसे कौन काटता है। उधर बाकी ये बात सुनकर शॉक हो जाता है, और उधर फाइट अभी भी चल रही होती है, इनका जो लिप टू लिप है ये भी चल रहा होता है। जैक पूरी तरह से हवा में उड़ा रहता है और उसके मुंह को एक दूसरे को काट रहे होते हैं, और फाइनली उठा के जैक को फेंक देता है पिकल। बाकी जो होता है उसको बेइज्जती महसूस हो रही होती है, पिकल जो होता है वो बाइट लेता है और उसको खा रहा होता है, और जैक का जो मुंह होता है वो पूरी तरह से काट लेता है वो और फट जाता है उसका मुंह। जैक पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होता है, देखने को मिलता है पिकल जो होता है उसको अप्रोच कर रहा होता है, पीछे से उसके पास आ रहा होता है, लेकिन ये अभी भी गिव अप नहीं करता है और पिकल जो होता है एकदम से चिल्लाता है। जैक दोबारा से खड़ा होता है और बहुत ही ताकतवर उसको ब्लो देता है, उसके एकदम लोअर जॉ पे मारता है बहुत ही तगड़ा सा पंच, और पिकल जो होता है हवा में उड़ता है लेकिन वो सीधे खड़ा हो जाता है। और बहुत सारी टाइम देखा गया है कि जैक जो होता है वो पावरफुल अटैक मारता है और किसी की भी जॉ को वो तोड़ सकता है, लेकिन पिकल को कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि ऐसा फील होता है कि जो पिकल की खुद की जॉ है वो 200 किलो से कम नहीं है, और उसके ब्रेन को भी कोई फर्क पड़ता नहीं। वो बड्डी के पीछे एकदम से देखने को मिलता है जो साइंटिस्ट होता है वो आ जाता है, और वो शुरुआत से फाइट देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तुझे अमेज नहीं होना चाहिए पिकल की जो इतनी हार्डनेस है स्टडीनेस है उसको देख के। अब पिकल जो होता है वो एकदम से देखने को मिलता है वो अपने फाइटिंग वाले पोज में आ जाता है, तैयार होता है जैक से लड़ने के लिए। उधर से बाकी और रिस्त जो होते हैं वो भी दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं, अंदर जाके देख रहे होते हैं फाइट को। पिकल जो होता है वो जैक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैक जो होता है उड़ा के फेंक देता है पिकल को, और पिकल जो होता है पीछे जाके गिर जाता है। फिर उसके बाद जो होता है जैक आगे बढ़ता है, पिकल के सर को पकड़ता है और उठा के जमीन में मारता है, और सीट जो होती है उसके ऊपर मारने लगता है। और जैक जो होता है वो पूछ रहा होता है कि बॉस यानी कि सेंपाई यानी कि सीनियर, आज हम जो मॉडर्न ह्यूमंस है वो इवॉल्व करे हैं, बताओ ना, बताओ प्लीज बताओ। और दोबारा से उठा के फेंक देता है ग्राउंड के अंदर। फिर जैक जो होता है इसके पीछे आ रहा होता है और कह रहा होता है क्या फीलिंग आ रही है आपके अंदर, ये भी बताओ, क्या आप सोच सकते हो जो मैं सोच रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी है क्या वो सोच सकते हो, गुड फूड गुड ड्रिंक वुमेन्स पैसा दौलत शौहरत स्टेटस ये सारी चीजें मैंने छोड़ी थी। वह उसके गले पे लात रख के दबाने लगता है और कह रहा होता है कि मेरी लाइफ जो थी वो सेटिस्फाई होती थी खाली स्ट्रांग बनके, उसने कभी भी क्विट नहीं किया था प्रैक्टिस करने से, उसने ऐसे ऐसे ड्रग्स ले दी ऐसी दवाइयां ली थी जो उसको नियरली मार चुकी थी, लेकिन वो बड़ा बनना चाहता था, उसने बोन लेंथिंग का भी इस्तेमाल किया था, उसने बहुत सारा पेन सहा था खाली अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, उसने हर वो चीज की थी जिससे वो और ज्यादा बड़ा बन सकता था, अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकता था। और देखने को मिलता है जो जैक होता है वो पिकल के कान को सीधे काटता है और उसकी बॉडी से अलग कर देता है, और कान को उसको मुंह में लेकर थूक देता है पिकल के मुंह पे, और पिकल ये सब देख के बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है। और जो पिकल होता है उसने अपने आप को कभी शीशे में तो नहीं देखा होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि उसकी बॉडी से कोई ना कोई पार्ट जो है वो अलग हुआ है। उसको फील होता है इंटेंस पेन, उसके एक कान बिल्कुल भी उसको आवाज आ नहीं रही होती है, और उसके मन में अब गुस्सा हेट्रेड ये सारी चीजें बढ़ने लगती है। अगेन जो जैक होता है वो आगे बढ़ता है और देखने को मिलता है जैक जो होता है पावरफुल पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन
पिकल की बॉडी जो होती है अब की बारी में बिल्कुल भी मूव नहीं होती है और जैक एकदम से पीछे हट जाता है और कह रहा होता है आखिर ये क्या साउंड था, इस बार तो ये हिला भी नहीं। अगेन वो पंच मारता है, अगेन सेम साउंड आता है, अगेन कुछ तो वहाँ होता है और जैक को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर यहाँ हो गया रहा है। जो दूर से लोग देख रहे होते हैं उन लोगों को समझ में आ रहा होता है, लेकिन जैक को नहीं समझ में आ रहा था कि वो इसके इतने करीब होता है। और फाइनली उसको चीज समझ में आने लगती है और कह रहा होता है कि जब मैं अपने पंच कर रहा था, मैं अटैक कर रहा था, वो मोस्ट पावरफुल पंच थे, मुझे लगता था कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता है, लेकिन वो स्टूपिड नहीं था, उसने अपने आप बॉडी को पीछे मूव ही नहीं किया बल्कि वो एकदम से डॉज करता था और मेरी जो एनर्जी थी वो बेमतलब में लूज हो रही थी और वो दीवार का सहारा लेकर वापस उस जगह पे आके खड़ा हो जाता था, मुझे पता भी नहीं चल रहा था, मैं देख भी नहीं पाया ये चीजें क्या थी आखिर, वो भी दो बार, ये हिलेरियस है। और ये बिल्कुल कैट फाइट की तरह ही होने वाला होता था, किस तरह से रिफ्लेक्स की वजह से वो लोग बच पाते हैं, अपनी कोऑर्डिनेशन अपनी स्पीड की वजह से वो किस तरह से एक्टिव रहते हैं। फिर वो बताने लगते हैं कि दो एस्पेक्ट होते हैं ह्यूमंस का, और ह्यूमंस जो होते हैं फार इंपीरियर होते हैं इस चीज में, अगर ह्यूमंस के पास कोई वेपन ना हो तो वो गैप को फिल अप नहीं कर पाते हैं। इवन ह्यूमन जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैवियर होते हैं छोटे जानवर से, यही चीज हो रही है यहाँ भी। पिकल जैसा मूव कर रहा है, जिस स्पीड पे वो मूव कर रहा है, वो कभी भी मैच नहीं कर सकती है डायनासोर के रिफ्लेक्सेस को, और यही चीज है। और इस इंसान से फाइट करना ऐसा ही है कि जैसे कि तुमने सारे ही डायनासोर को हरा दिया। और जो जैक होता है वो कह रहा होता है भगवान मैं तुमसे पहली बार फेवर मांग रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे मुझे जीतने देना। और पिकल जो होता है तगड़ा सा पंच मारता है जैक के मुंह पे और दोबारा से उसके मुंह को पकड़ता है, नीचे जमीन पे गाड़ देता है। पिकल आगे तेजी से मूव करने लगता है और अगेन उठा के फिर मारता है और उसके जो पूरी हड्डियां होती है वो टूटने लगती है, उसके दांत जो होते हैं बाहर आ जाते हैं और जो जैक होता है बिल्कुल एकदम बेहोश की हालत में होता है। और फाइनली जो पिकल होता है वो दोबारा से अपना डांस करने लगता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन उतने में देखने को मिलता है पिकल की आंखों से जो होते हैं वो गिरने लगते हैं। अब जो बुड्ढा होता है वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो कह रहा होता है पहले रेत्सु फिर कात्सुमी और अब चैक, सारे के सारे लोग वो हार चुके हैं जिनको मैं इतना एडमायर करता था। तो वो आगे आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। पिकल जो होता है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है, स्माइल करता है, लेकिन उतने में पिकल को फील होती है प्रेजेंस किसी चीज की। बाकी जो होता है पिकल के पीछे ही होता है, लेकिन पिकल जो होता है वो सीधे मूव करता है और वापस चला जाता है। और बात होता जाती है बहुत पहले की, जब पिकल जो था वो जब छोटा था अपने यूथ में था तो बड़े बड़े जानवरों को तो हरा देता था, लेकिन मधुमक्खियां आई थी, मधुमक्खियां थी बहुत छोटी लेकिन वो मारता भी था, लेकिन उसमें से बहुत सारे वो थे, वो मरने के बाद भी उसकी बॉडी को उठा के खाने लगा और जब खाया तो उसका डंक था वो भी उसके मुंह में लगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो थी एकदम से शॉक में आ गई थी, वो पेन में था, ऐसा लग रहा था कि एक वोल्केनो जो है उसके अंदर फट चुका है, जिसके बाद उसका मुंह का जो शेप था वो भी बदल गया था, वो दर्द में कहराता था, इधर उधर गिरता रहता था, उसने अपनी मुंह करने की भी एबिलिटी लूज कर दी थी और वो जो डर था उसके अंदर बैठा हुआ था। ऑप्टिकल को समझ में आ गया था जो ये इंसान है ये बिल्कुल वैसा ही है, और भले ही वो हारा हुआ है लेकिन कुछ ना कुछ उसने जरूर सेटअप किया होगा। और पिकल जो होता है वो दूर से बैठ के खाली देख रहा होता है, वो आगे बढ़ता नहीं, वो पसीना पसीना हो रहा होता है। बुड्ढा जो होता है वो कह रहा होता है ये अनकॉन्शियस है, फिर भी पिकल ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, आखिर वो इतना डर क्यों रहा है। और जो बुड्ढा होता है वो आगे जाता है जैक के पास और उसको छूने की ही कोशिश करता है, बाकी से रोकने को बोलता है, लेकिन जैसे ही उसको छूता है जैक के दोनों हाथ होते हैं तेजी से मूव करते हैं और बुड्ढा जो होता है वो हाइट में छोटा होता है इसलिए बच जाता है, वरना जो उसकी उंगलियां होती वो सीधे उसके सर के अंदर घुस जाती और ये उसने सेटअप किया था पिकल के लिए। अगर पिकल उसको खाने के लिए आता तो उंगलियां जो थी उसके कान से होती उसके ब्रेन में घुस जाती और पिकल वहीं के वहीं मर जाता और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो भाई इसकी जो एंडिंग थी वो नेक्स्ट लेवल खतरनाक हो गई थी और जो पूरा पूरा एपिसोड था वो बैंगर था, उससे कम कुछ नहीं यार। तो देखने में काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, मजेदार था और काफी ज्यादा मजा आया भाई ये वाला एपिसोड देख के। होपफुली आप लोगों को भी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।